सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित भगीरथ के बाद में राजा खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु के हुए रघु महाराज। ये जो रघु हुए ना, इनका बहुत प्रताप हुआ। इनके वंश का नाम सूर्य वंश था लेकिन रघुवंश नाम पड़ गया। रघु महाराज के प्रताप से ये रघुवंशी कहलाए। और जो रघु है ना, इनके बेटा हुए राजा अज, और अज के बेटा है श्रीमान राजा दशरथ जी। ये जो राजा दशरथ है ना, इनके तीन रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। चौथापन आ गया था, बुढ़ापा आ गया था, इनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, राजा दशरथ को बहुत ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बुढ़ापे में ग्लानि हुई। राजा दशरथ को पहले कभी नहीं एहसास हुआ कि इनके सुत नहीं है। बोले कि हाँ परीक्षित, ये राजा दशरथ ना पूरी प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे, पूरी प्रजा की बहुत सेवा करते थे, लेकिन किसी किसी के शब्द ना व्यक्ति को घायल कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ, राजा दशरथ की जो रानियां हैं ना, इनमें केकई है, जो केकई बहुत सुंदर है। राजा दशरथ केकई से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन केकई बैठी थी राजा दशरथ के पास और बोली, महाराज आप सबसे कहते हो कि मैं केकई से बहुत प्यार करता हूं। बोले हाँ वो तो है। बोले क्या खाक प्यार करते हो? दशरथ को बड़ा चंबा लगा, क्यों कह रही है ऐसा। दशरथ ने पूछा, रानी क्या हुआ? बोली आप रोज स्वर्ग में जाते हो, स्वर्ग से मेरे लिए कोई भेंट लेके आए कभी? राजा दशरथ ने कहा, रानी सही कह रही हो तुम, मेरी गलती है। इस बारी जब भी स्वर्ग में जाऊंगा कुछ न कुछ जरूर लेके आऊंगा। ध्यान से सुनना आप लोग, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था ना, देवताओं की राजा दशरथ ने मदद करी थी और देवताओं ने राजा दशरथ को कह रखा है, आप स्वर्ग में कभी भी आ सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। राजा दशरथ जब स्वर्ग में जाते हैं ना, देवराज इंद्र खड़े हो जाते अपने सिंहासन से, राजा दशरथ को अपने सिंहासन पे बिठाते हैं, आधे सिंहासन पे दशरथ बैठते हैं, आधे पे इंद्र बैठते हैं स्वर्ग में। आज राजा दशरथ स्वर्ग में गए, देवताओं ने बड़ा स्वागत किया, इंद्र भी खड़े हो गए, आधा सिंहासन खाली कर दिया। राजा दशरथ जब बैठ गए तो इंद्र ने एक फूलों का हार पहनाया राजा दशरथ को। दशरथ ने जैसे फूलों के हाथ लगाया तो मन में सोचने लगे कि केकई के लिए फूलों का हार लेके जाऊंगा, इससे अच्छा उपहार क्या होगा। अच्छा, स्वर्ग की कोई भी वस्तु मुरझाती नहीं है, स्वर्ग की हर वस्तु अमर है। सोचने लगे ये फूलों का हार केकई को दूंगा तो बहुत खुश होगी, और वो हार उतार के बगल में रख लिया। सोचा जाते समय ये हार ले जाऊंगा। स्वर्ग की सभा समाप्त हुई, सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए, राजा दशरथ भी चल दिए। आधे रास्ते आने पर राजा दशरथ को याद आया वो फूलों का हार, जो केकई के लिए ले जाना था वो तो वहीं रह गया। राजा दशरथ लौट करके आए स्वर्ग में और आके क्या देखा, यहां के जो पार्षद है ना, सेवादार, वो वहां पर साफ सफाई कर रहे थे, इंद्र के इंद्रासन को गंगा जल से धो रहे थे, कच्चे दूध से धो रहे थे। राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य लगा और इन पार्षदों से पूछा,
कि भैया ये सब क्या कर रहे हो आप लोग, अब ये पार्षद नहीं जानते कि यही राजा दशरथ है। इन्होंने कह दिया, अरे भैया आप नहीं जानते, पृथ्वी लोक से एक राजा आते हैं जिनका नाम राजा दशरथ है, वो आके इस इंद्रासन पे बैठते हैं। बोले तो उनके बैठने से क्या होता है? बोले ये आसन अपवित्र हो जाता है ना, अशुद्ध हो जाता है। बोले वो क्यों? बोले वो निपुत्री है, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है ना। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ फूट पड़े अंदर से, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। कहाँ गए? गुरु गृह गयों तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। सीधे अपने गुरु जी के पास गए और जाते ही गुरु के चरणों में चार आंसू गिरा दिए और फिर चार फल गुरु के चरणों में रख करके हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव पुत्र चाहिए, पुत्र की कामना है। गुरु ने राजा दशरथ को दुखी देखा, चार फल चरणों में चढ़े देखे तो कह दिया, राजन धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं चार होंगे त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में विदित होंगे वो जाने जाएंगे। पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। और देखो अब राम कथा में प्रवेश कर रहे हो आप, और राम कथा में प्रवेश